नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। खासकर अगर पृथला विधानसभा की बात करें तो लग रहा है कि पूरे 90 विधानसभाओं में अकेली पृथला विधानसभा ऐसी सीट होगी जिसमें शायद कुछ अलग देखने को मिल सकता है। हालांकि हर बार पृथला में दिलचस्प चुनावी परिणाम और मुकाबला देखने को मिलता है। पिछली बार भी निर्दलीय कैंडिडेट ने यहां से बाजी मारकर चुनावी जीत अपने नाम की थी। बीजेपी के लिए इस बार कई नाम सामने थे, जिनमें टेकचंद शर्मा, नयनपाल रावत, दीपक डागर, कुलवीर देशवाल, बलदेव अरावलपुर, विजेंद्र नेहरा और सुखवीर मलेरना, ये ऐसे मुख्य नाम थे जो पार्टी के बीजेपी के टिकट के लिए इधर गिर्धर घूम रहे थे। हालांकि हुआ वही जो पार्टी आलाकमान को मंजूर हुआ और बीजेपी ने टेकचंद शर्मा को टिकट दे दी। लेकिन अगर एक एक कर इन सबकी बात करें तो 2014 में टेकचंद शर्मा बीएसपी के टिकट से 1179 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे और उन्होंने जब बीजेपी में शामिल नयनपाल रावत को हराया था। टेकचंद शर्मा 2019 में भी बीजेपी के टिकट के दावेदार थे लेकिन उन्हें नहीं मिली थी, फिर भी वो पार्टी के साथ बने रहे, पार्टी का समर्थन किया। तब से लेकर अब तक टेकचंद शर्मा बीजेपी के साथ रहे, पार्टी का समर्थन किया। 2024 में टिकट की लिस्ट में दावेदार थे और बीजेपी ने पृथला से इस बार उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। टेकचंद 10 तारीख को अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। नयनपाल रावत की अगर बात करें तो नयनपाल रावत बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन इस बार भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी है। पिछली बार 2019 के चुनावों में नयनपाल बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए और लोगों ने उनको अपना तब बहुत समर्थन दिया, जिसके वजह से उन्हें जीत हासिल हुई और निर्दलीय जीत भी गए। लेकिन उन्होंने तब से अब तक बीजेपी का साथ दिया, पार्टी के साथ हमेशा मौजूद रहे। इस बार भी टिकट की डिमांड कर रहे थे लेकिन पार्टी ने उन्हें इस बार भी टिकट नहीं दी। कल चंदावली में नयनपाल रावत ने बड़ी संख्या में पंचायत बुलाई, बहुत भारी भीड़ इस पंचायत में देखने को मिली और लोगों ने उन्हें फिर से निर्दलीय लड़ने का आश्वासन दिया और इस बार फिर से नयनपाल रावत निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में पृथला में नजर आएंगे। साथ ही इस बार बीजेपी से टिकट ना मिलने पर उन्होंने पार्टी नेताओं को गद्दार कहा और दगाबाज कहा। सुनिए क्या बोले नयनपाल रावत। मेरे पास मेरी जनता के लिए तो सब कुछ है, पर इन गद्दारों के लिए फूटी कोड़ी ना कभी पी और ना कभी दूंगा। अगर कमाऊंगा सरकार से, व्यापार से, तो अपनी जनता में लगाऊंगा, इन बेगाने का जरूरत मिलाऊंगा। आप लोगों को समझने के लिए बात करनी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुझे किशन पाल का साथ नहीं देना चाहिए था। सुनो, मैं दोबारा से कह रहा हूं, क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं मोदी के लिए बना है। इस मोदी की वजह से मुझे और आपको, और आपने बहुत लोगों ने मना किया, मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े और इसके ये पिछड़ा क्षेत्र में पैर नहीं रख सकता था पैर, और 50,000 से माइनस जाता और जीतता नहीं किसी हालत में भी। पर मैं भाई मन का काला नहीं हूं, मैं तो पेट का भी साफ हूं, जेब का भी साफ हूं। जो मेरे पेट में वो तुम्हारे लिए, जो मेरे जेब में वो भी तुम्हारे लिए। मेरे तो राजनीति खेलने के लिए आती। मैंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयास किए, मैंने आपको भी हाथ जोड़े, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये गद्दार गद्दार ही रहेगा, ये मतलब इंसान नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर दीपक डागर की बात करें तो पृथला विधानसभा में दीपक डागर एक ऐसा नाम था जो पिछले कुछ समय से तमाम सोशल मीडिया पोर्टल्स पर नंबर वन पर बना हुआ था। दीपक डागर किशनपाल गुर्जर के भी नजदीकी माने जाते हैं और लगातार बीजेपी का उन्होंने भी समर्थन किया। किशनपाल गुर्जर भरी सभा में दीपक डागर को अपना हनुमान तक कह चुके हैं लेकिन फिर भी इस बार पार्टी ने उन पर विश्वास नहीं जताया। दीपक डागर काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि टिकट उनकी बिल्कुल कंफर्म है और उन्हें ही मिलेगी। यहाँ तक कि उनके समर्थक भी सोच रहे थे कि इस बार दीपक डागर को ही पृथला से टिकट मिलेगी, लेकिन आखिर ऐसा हुआ नहीं। टिकट ना मिलने से दीपक डागर इतने आहत हो गए कि भरी सभा में ही रोने लगे। उन्होंने इसके लिए जाजरू में आज पंचायत बुलाई है जहाँ आगे की रणनीति तैयार होगी। दीपक डागर ने हालांकि स्पष्ट नहीं किया है कि वे निर्दलीय खड़े होंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसा अभी गांव की सरदारी चाहेगी, गांव के बड़े चाहेंगे, वो वैसा ही फैसला लेंगे और आज इस रणनीति पर उनका फैसला आ सकता है। जैसे कहोगे ऐसे करूंगा और आज ही मैं सभा चंदन में रखूंगा। कहा
इसके अलावा बीजेपी से कुलवीर देशवाल भी टिकट की मांग कर रहे थे। कुलवीर देशवाल पलवल जिला परिषद का सदस्य रहे हैं, लंबे समय से बीजेपी में बने हुए हैं और टिकट की रेस में शामिल थे, लेकिन उन्हें भी इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दी। सीकरी में जब उन्होंने अपना कार्यालय खोला था, तब नायब सिंह सैनी सीएम खुद उनके कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर के भी कुलवीर देशवाल करीबी माने जाते हैं। हालांकि इस बार पार्टी ने कुलवीर देशवाल को भी टिकट नहीं दिया है। अब ऐसे में कुलवीर निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी के साथ बने रहेंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि कुलवीर देशवाल आजाद समाज पार्टी की पलवल फरीदाबाद जिला इकाई और पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं के संपर्क में, और हो सकता है कि वे आजाद समाज पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी करें। इसके अलावा बलदेव एक ऐसा नाम है जो इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी के बड़े पदों पर रह चुके हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, टिकट की दावेदारी की। हालांकि इस बार बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी है, लेकिन उनकी तमाम सोशल मीडिया की पोस्ट बता रही हैं, लग रहा है कि वे भी चुनावी मैदान में इस बार नजर आ सकते हैं। हालांकि बलदेव अलावलपुर एक ऐसा नाम है जो हर बार चुनावों में अपनी दावेदारी तो पेश करते हैं, लेकिन लड़ते नहीं है, चाहे वह 2009 का चुनाव हो, 2014 का, 2019 का और अब 2024 का। इस बार वो नजर आएंगे या नहीं, ये भी भविष्य बताएगा। इसके अलावा विजेंदर नेहरा भी इस बार पृथला से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी। नेहरा ने डोर टू डोर कार्यक्रम किए, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन पर विश्वास नहीं जताया। टिकट कटने पर उन्होंने विरोध तो किया, लेकिन अब पार्टी के साथ हैं। सुखवीर मलेना बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और टिकट की रेस में शामिल थे, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं मिली। माना जा रहा है कि सुखवीर मलेना इस बार निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं। टिकट कटने पर सुखवीर मलेना ने कहा कि अगर पार्टी को किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट देनी थी तो मेरे में क्या कमी थी। सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा कि यार कमल का फूल तो मैं भी लगा रखा है। मैं बोला हृदय से लगा हुआ है, पीड़ा तो बहुत होती है, पर क्या करूं। सुखवीर मलेना, मेरा सिर्फ एक ही आप सभी के चैनल के माध्यम से समस्त समाज से, मैं अपने हाई कमान से ये कहना चाहता हूं, यदि टिकट ब्राह्मण कोटे में ही दी जा रही थी तो मेरे अंदर कौन से कांटे लगे हुए थे और उसके अंदर कौन से फूल लगे हुए थे, मुझे हाई कमान इस बात का जवाब दे। ये बीजेपी के वो कैंडिडेट थे जो इस बार पृथला से बीजेपी के टिकट की दावेदारी कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने इन सब की बजाय टेकचंद शर्मा पर विश्वास जताया और इस बार उन्हें टिकट दिया है। अब टेकचंद शर्मा की जब से टिकट अनाउंस हुई है, तब से पृथला का माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है, बिल्कुल अलग है। पृथला में पिछली बार भी निर्दलीय ने जीत हासिल की थी और इस बार टिकट कटने से कई लोग नाराज हैं और निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला किया है, तो कुछ विरोध तो कर रहे हैं लेकिन पार्टी के साथ भी बने हुए हैं। अब पृथला का माहौल क्या होगा, बीजेपी क्या इस बार पृथला में कमल खिला पाएगी या नहीं, ये तो देखने का विषय रहेगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी पृथला से अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन पृथला में कांग्रेस की तरफ से जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें रघुवीर सिंह तेवतिया, राकेश तंवर के नाम सामने आ रहे हैं। रघुवीर सिंह तेवतिया पृथला के पूर्व विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके अलावा राकेश तंवर का नाम बड़ा सामने आ रहा है। माना जा रहा है कई फेक लिस्ट सामने आ रही है जिनमें राकेश तंवर रघुवीर सिंह तेवतिया के नाम से भी ऊपर नजर आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया पोर्टल्स पर ऐसी लिस्ट सामने आ रही है जिनमें राकेश तंवर का नाम कांग्रेस की तरफ से पृथला में सामने आ रहा है। रघुवीर सिंह तेवतिया हुड्डा के समर्थक हैं, उनके करीबी हैं और राकेश तंवर 2014 के चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के कैंडिडेट रहे। राकेश तंवर कुमारी शैलजा के समर्थक हैं, उनके करीबी हैं, लेकिन अब इन दोनों में से किसको टिकट मिलने वाला है ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगी। इसके अलावा पृथला से कांग्रेस कैंडिडेट्स में हेम चौधरी, सतवीर डागर, डॉक्टर वीरेंद्र तेवतिया, नीतू मान कुछ ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर लगभग 18 से 20 नाम कांग्रेस की तरफ से सामने आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि बीजेपी की लिस्ट आने के बाद से तो पृथला में माहौल जो गरमाया हुआ है और कई निर्दलीय भी सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में भी ये देखने को मिलेगा? क्या कांग्रेस भी किसी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देने वाली है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है, जिसका नाम सामने ही नहीं आया, ये तो देखने का विषय रहेगा। फिलहाल पृथला की राजनीति किस ओर जाने वाली है ये तो देखने का विषय रहेगा। उस बारे में भी आपको बताएंगे कि पृथला में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्या रंग लाने वाली है। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।